हे गाइस, दिस इज मी नूर आलम एंड यू आर वाचिंग नूर आलम ब्लॉग्स। और देखो भाई, सभी के घर में सोमवार के दिन कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग तैयार होकर अपने अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। लेकिन आज मेरे पापा छुट्टी पर हैं, घर पे हैं। और जब भी मेरे घर में सभी लोग घर पे होते हैं तो कुछ बड़ा होने की बात जो घर में चल रही होती ना, उस दिन वो काम हो जाता है। अब जैसे कि बकरा ईद आ रही है और कुर्बानी करने की बात जो है वो बहुत दिन से घर में चल रही है, तो इसीलिए आज सभी लोग घर पे हैं, तो आज हम बकरा लेने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। तो देखो भाई, बकरा लेने के लिए हम घर से चार लोग निकलते हैं, दो लोग बाइक से और मम्मी पापा ऑटो से। और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम बकरा लेके आए थे। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि भाई यहाँ तो बकरा ही नहीं है, बकरा मिल ही नहीं रहा है। फिर कुछ लोगों से पता करने पर पता चलता है कि भाई अगर आपको बकरा चाहिए तो गाजीपुर चले जाओ। तो हम गाजीपुर आते हैं, हम मुर्गा मंडी में पता करते हैं कि भाई बकरा किधर मिलता है। तो उन्होंने बताया इस गेट के पीछे मिलता है। हमने वहाँ पता करा तो भाई कह रहे हैं यहाँ तो कुर्बानी का नहीं, मतलब नॉर्मल आपको चाहिए तो उस तरह का मिल जाता है। हमने बोला नहीं, हमें कुर्बानी का चाहिए। तो उन्होंने बोला इस कूड़े के ढेर के पीछे चले जाओ, वहीं है बकरा मंडी। तो दोपहर का टाइम था, हम दोपहर में पहुँचे बकरा मंडी, और मैं और पापा मम्मी थे। उसके बाद फिर हम वहाँ देखते हैं तो भाई वहाँ तो कहीं बकरा दिखता नहीं है। फिर दोपहर के टाइम में मैं बाइक घुमाता हूँ फटाफट और घर पर वापस आ जाता हूँ। उसके बाद मम्मी कहती हैं कि भाई वीडियो देखते हैं हम कुछ यूट्यूब पर। पता चलता है कि भाई बकरा मंडी में ही थे हम, हमें दिखा नहीं। तो फिर हम दोबारा से शाम को निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं हम सेम बकरा मंडी, कूड़े का ढेर जो गाजीपुर का है उसके पीछे। और यहाँ पर भाई फिर हम पता करते हैं कि भाई किधर मिल रहा है बकरा, किधर मिल रहा है। तो बताते हैं कि पीछे की साइड मिल रहा है, जो ऐसे आगे से आप एंट्री लेते हैं ना तो वहाँ पर मतलब बड़े बड़े जानवर मिलते हैं, तो पीछे के साइड बकरा मंडी जो है वो है। तो जब अगर आप कभी लेने जाओ तो आगे के साइड तो बड़े बड़े जानवर ही दिखेंगे आपको, तो उसके पीछे के साइड जाना तब आपको बकरा मंडी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम वहाँ पहुँचे और उसके बाद फिर यहाँ तो भाई बकरे ही बकरे। और फिर 8:30 बजे के करीब हम घर पे आ जाते हैं। और उसके बाद क्या, फिर भाई बकरे की जो है खातिरदारी वो पूरी तरह से करी जाती है। भागो को जो भागो, आ जाओ आ जाओ, नहीं खाता दे दो और दे दो। तो यही सब हम शाम को खिला देते हैं, और इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता है। वैसे बकरा मंडी में ऑटो भी मिल जाते हैं, अगर आप बकरा खरीदो और आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो करके भी अपने घर को लेके बकरे को जा सकते हो। सो गाइज, ये था मिशन बकरा फ्रॉम गाजीपुर बकरा मंडी। आई होप कि आप सभी जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।